application of AC to pure internet. देखो हमने last time देखा application of AC to pure resistor. अभी हम लोग देखे pure inductor. हमने self inductance पढ़ा था, mutual inductance, mutual induction पढ़ा था, एक coil के बारे में हमने पढ़ा था. This coil. इसे हमने नाम दिया L. इसका इसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. इसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस L. ओके, सो वी अस्यूम दैट दिस इज अ प्योर इंडक्टर. प्योर मतलब क्या है? इसमें कोई रेजिस्टर नहीं है, ये प्योर कंडक्टर है. इसका रेजिस्टेंस जीरो है. इसमें क्या है? सिर्फ इंडक्टेंस. ये जो बोला गया दिस इज अ आइडियल सिचुएशन. प्रैक्टिकली अगर आप कॉपर वायर भी लेते हैं, कॉपर वायर के टर्न्स भी लेते हैं, तो इट हैज गॉट अ स्मॉल रेजिस्टेंस. मतलब प्रैक्टिकल सर्किट्स क्या होते हैं, कोई भी कॉइल ले लो आप, तो प्रैक्टिकली क्या बनेगा? आरएल सर्किट बनेगा. उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर रहेगा. लेकिन हम फिजिक्स में कुछ आइडियल अजम्पशंस पे बात करते हैं और फिर हम बाद में प्रैक्टिकल पे आते हैं. तो आइडियली वी आर थिंकिंग अ प्योर इंडक्टर हमारे पास है जिसका इंडक्टेंस है एल, और इस इंडक्टर को हमने एसी सप्लाई अप्लाई करना है. एसी सप्लाई, देखो हमने लास्ट टाइम एसी सप्लाई अप्लाई किया था प्योर रेजिस्टर को. उसमें हमने देखा था कि करंट और वोल्टेज साथ साथ में रहते, इन फेज में काम करते. यहाँ पे कुछ अलग सिचुएशन देखने को मिलेगा. हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि वोल्टेज और करंट साथ साथ में नहीं चलेगी. वोल्टेज आगे भागेगा, करंट पीछे भागेगा. मतलब वोल्टेज भी लीड, करंट भी लैग. तो इसमें फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होगी. वो इसलिए किस लिए, यह हमें यहाँ जानना है. इसके लिए हमें कुछ सेल्फ इंडक्शन को फिर से रिवाइज करना है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में फिर से रिवीजन देखना है. तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक प्योर इंडक्टर है, एक कॉइल है जिसका एल क्या है, इंडक्टेंस है, और इस कॉइल को हमने सप्लाई दे रखा है एसी सप्लाई. ओके, अब इसमें से जो करंट सर्कुलेट होगा, सपोज दैट करंट इज डिनोटेड बाय आई ऑफ टी. ये करंट का नेचर भी एसी रहेगा. जाहिर सी बात है, आपने सप्लाई एसी दिया है तो करंट का नेचर एसी रहेगा. हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि करंट जो सर्कुलेट हो रहा है वो आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी है, where omega is the frequency, I0 is the peak value. देखो हमने इस टाइप का अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रखा है जिसकी पिक वैल्यू है I0, और ये विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी या टी. तो इस तरह का करंट इसमें से क्या हो रहा है, सर्कुलेट है. हमने जो ईएमएफ यहाँ अप्लाई किया है दैट इज सपोज ई ऑफ टी, और यहाँ पे एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. हमने देखा, हमने देखा था डीसी सप्लाई अप्लाई करते ही यहाँ पे एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी हमने देखी. तो मान लीजिए कि ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस ई बैक प्रोड्यूस हुआ है, और हमने जो अप्लाई किया है वो ई ऑफ टी है, राइट. अब मान लो किसी इंस्टेंट में यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है. तो हमने देखा था कि यहां पोलैरिटीज इस तरह आती है. ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके ही कॉज को क्या करता है, अपोज करता है. तो अगर हम लोग यहाँ पे केवीएल का लूप लगाते हैं तो कोई भी इंस्टेंट पे, बाद में कभी ऐसा भी होगा यहाँ प्लस माइनस भी होगा, तो यहाँ उल्टा होगा कुछ, यहाँ उस केस में प्लस माइनस इस तरह है. मतलब कोई भी इंस्टेंट पे बैक ईएमएफ और हमने जो अप्लाई किया हुआ ईएमएफ है, ये इस तरह एक लूप बनाएंगे. KVL का लूप अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ई ऑफ टी प्लस ई बैक इज इक्वल टू जीरो, या अगर आप साइन कन्वेंशन दूसरे भी यूज करते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, ये एक्सप्रेशन KVL लगाने के बाद. तो ई बैक हमने पढ़ा था, ई बैक इज एल डी आई बाई डी टी, तो एल डी आई टी बाई डी टी लिख सकते हैं. That is L into d by dt of I0 sin of omega t. तो
ये कुछ आ जाएगा L into I zero, so the derivative of sine is cos omega t into omega. इस तरह अगर इस expression को हम देखते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते E of t is equal to E back, so we can write E of t is equal to, what is E back? L dit by dt. So that will be equal to, after writing down this, we can say it is omega L I zero cos of omega t. Okay, so E of t is equal to omega L I zero. Now cos of omega t can be written as sine of omega t plus pi by 2. देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कुछ आ गया एक्सप्रेशन ई ऑफ टी का. ओके, नाउ ये एक्सप्रेशन में इस चीज को देखो, ये तो साइन वाली टर्म, इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस वन होगी. ये क्या है? ये है मैक्सिमम E of t, मतलब E of t can be written as in general sense E zero sine of omega t plus pi by 2. तो ये E zero क्या होता है? अगर हमने E of t को sketch करा, E of t with respect to time, तो ये कुछ इस तरह का sinusoidal waveform आएगा, लेकिन ये waveform इस waveform से 90 degree leading होगा, 90 degree leading, मतलब अगर टाइम जीरो यहां है तो ये यहां से ऐसा स्टार्ट करेगा. देख सकते हैं, देखो ये होगा साइन ओमेगा टी का ग्राफ, करंट का ग्राफ, और ई ऑफ टी का ग्राफ अगर आप देखते हैं तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टी, या आप कोसाइन वेव भी मान सकते हैं, इसमें कोसाइन वेव भी है एक्चुअली. तो ये कोसाइन वेव वाला ग्राफ है और इसकी पिक वैल्यू ई जीरो है. ई जीरो यहां हमने जो वो E0 क्या है? Omega L into I0. तो हमारे पास एक नई चीज आ गई, E0 is omega L into I0. ओके, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते E0 upon I0 is omega L. ये omega L क्या है? इसी से देखो, जनरली अभी तक हमने देखा था कि E upon R या V upon I क्या होता है? R होता है. रेजिस्टिव नेटवर्क्स में हमने देखा था ओम्स लॉ, लेकिन यहां पे कुछ अलग टर्म आ रही है जो आर की जगह पे आ रही है. ओके, ये कुछ एनालॉगस टर्म है रेजिस्टर को. इस टर्म को हमने नाम दिया रिएक्टेंस, वेरी मच सिमिलर टू रेजिस्टेंस, रादर आई विल से दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर इसे एक्सएल के नाम से जाना जाता है. तो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओमेगा एल, और XL is 2 pi FL, क्योंकि ओमेगा 2 pi FL है. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक तरह का रेजिस्टेंस है. देखो इस करंट को जिसने लिमिट करके रखा है, इंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ लिमिटेड करंट फ्लो हो रहा है. अदरवाइज अगर आप डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं इंडक्टर को, हमने देखा था अगर हम लोग इसे डीसी सप्लाई लगा देते इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है, यहां से इनफाइनाइट करंट फ्लो हो जाएगा, उस केस में फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगा. तो एक्सएल इज जीरो, मतलब रेजिस्टेंस कोई अपोज करने वाला है ही, तो यहां से इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा, दिस इज अ शॉर्ट सर्किट. लेकिन अगर इसी इंडक्टर को हम लोग एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है एक्सएल. एक्सएल इज एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, इंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलना चाहिए, इसे स्पेसिफिक नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल. और दैट डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन द इंडक्टेंस बट आल्सो ऑन द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड. तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, ये फ्रीक्वेंसी सप्लाई का आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं. मान आपके पास जनरेटर है, यहाँ पे आपने एसी सप्लाई दे रखा है और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा रहेगा एक्सएल बढ़ेगा. तो अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का एक्सएल के साथ, तो इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप हम लोग देख सकते हैं. तो एक नई चीज हमारे सामने आ गई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस. और दूसरी चीज हमारे सामने आई कि करंट और वोल्टेज साथ साथ में नहीं है. आप देखो यहाँ पे वोल्टेज का वेवफॉर्म और करंट का वेवफॉर्म
को साथ साथ में खींचते हैं। हमने करंट का एजम्पशन किया था आई जीरो ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, और वोल्टेज आ गया हमारा दूसरा वेवफॉर्म यहां से इस तरह, ठीक है आप लोग, इस तरह, दिस इज ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, या फिर आप इसको ई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ये कोसाइन वेव, इसकी पिक वैल्यू ई जीरो है और इसकी पिक वैल्यू क्या रहेगी आई जीरो, तो दोनों वेवफॉर्म साथ साथ में नहीं चल रही, यू कैन नोट दिस। तो यहां पे टॉप पे कौन जा रहा है, पहले वोल्टेज जा रहा है, बाद में टॉप पे करंट जा रहा है, तो टॉप पे पहले वोल्टेज जा रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, कितने एंगल से 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस, ओके, तो वोल्टेज ऐसा बोल सकते हैं करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 रेडियंस, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2 रेडियंस। तो यहां पे एक फेजर डायग्राम बनती है, तो फेजर डायग्राम में हम लोग एक्चुअली आरएमएस वैल्यूज यूज करते हैं, हमने देखा था कि ई जीरो ई आरएमएस E0 upon root 2, आप चाहे तो दूसरा नोटेशन BRMS भी यूज कर सकते हैं। देखो अभी तक जो डिराइव किया हमने, हमने E of T यूज किया था, आप चाहे तो B of T भी यूज कर सकते थे, मतलब वहां पे आप नोटेशन कुछ ऐसा दे सकते थे V0 sin of omega T plus, कुछ कुछ बुक्स में P of T भी यूज होता है वोल्टेज, एनीवे तो ERMS या VRMS, तो ERMS is E0 upon root 2 and IRMS is I0 upon root 2। तो हमने जो XL का फॉर्मूला बनाया, XL क्या लिखा हमने, XL या ओमेगा है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज E0 upon I0, that can be also written as E0 upon root 2 upon I0 upon root 2, that is ERMS upon IRMS। तो फेजर डायग्राम्स में RMS वैल्यू यूज करते हैं, हम लोग इसका फेजर कुछ इस तरह बनाते हैं, हम यहाँ पे ERMS दिखाते हैं और यहाँ पे IRMS दिखाते हैं और दोनों के बीच पाई बाय 2 का फेज शिफ्ट दिखाते हैं इस तरह। देखो यही चीज रेजिस्टर में क्या हो रहा था, ERMS एंड IRMS वेयर इन फेज, ये एक दो के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर थे, यहाँ पे देखो वोल्टेज आगे बढ़ रहा है करंट पीछे बढ़ रहा है, तो कुछ ये इस तरह घूम रहा है फेजर्स, तो ये आगे है ये पीछे, कितने एंगल से 90 डिग्री। दूसरी बात, प्योर इंडक्टर में अगर हम लोग पावर डायग्राम बनाते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमें पावर डायग्राम कुछ इस तरह बन सकता है, जस्ट मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूं, जो पावर डायग्राम बनाने के लिए और एवरेज पावर की अगर बात करते हैं, देखो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, जैसे अभी ये ब्लू वाला जो है ये वोल्टेज है और ब्लैक वाला क्या है करंट है, तो मैंने अगर पावर इंस्टेंटेनियस पावर ढूंढा तो यहाँ पे ऊपर जाएगा पॉजिटिव आएगा पावर, दोनों पॉजिटिव, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पावर यहाँ से नेगेटिव जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो पावर ऊपर जाएगा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव है। तो अगर हम लोग एक साइकिल की बात करते हैं यहां से यहां तक, देखो एक ब्लैक वाला देखो एक साइकिल 0 टू 2 पाई वाले 2 पाई, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ पावर नेगेटिव पार्ट ऑफ द पावर, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पावर नेगेटिव पावर, तो हमें ऐसा लगेगा यहां ऐसा लगेगा कि इंडक्टर ने पावर लिया, नेगेटिव पावर क्या चीज है, इंडक्टर ने पावर वापिस कर दिया सोर्स को, फिर से लिया वापिस कर दिया, तो एवरेज पावर इंडक्टर में एक साइकिल के लिए क्या होगा जीरो। देखो लेना देना लेना देना, किसी ने आपसे 100 रुपए लिए फिर से रिटर्न कर दिए हफ्ते भर में, फिर 100 रुपए लिए फिर से रिटर्न कर दिए हफ्ते भर में, तो एक महीने का जो हिसाब है वो तो जीरो हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे एवरेज पावर क्या है जीरो, मतलब क्या है कि प्योर इंडक्टर डू नॉट कंज्यूम एनी पावर। देखो यहां हमें जरूर लगता है कि उसने पावर दिया, देखो उसने वो पावर स्टोर करके रखा, एनर्जी स्टोर किया और वापिस कर दिया, यहां पे नेगेटिव मतलब वापिस कर दिया, फिर से लिया वापिस कर दिया, तो लिया दिया लिया, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारे पास कोई प्योर इंडक्टर नहीं होता है, हमारे पास
RL सर्किट होते हैं, तो रेजिस्टर का तो काम बनता है पावर को कंज्यूम करना, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंडक्टर विल कंज्यूम सम पावर बिकॉज इट हैज गॉट सम रेजिस्टेंस, ओके, बट थ्योरेटिकली एवरेज पावर कंजम्पशन ऑफ इंडक्टर इज जीरो। तो ये जो पावर तो ले रहा है दे रहा है, इस पावर को रिएक्टिव पावर बोलते हैं, और जो एक्चुअल में कंज्यूम होता है ओके दैट इज नोन एज अ एक्टिव पावर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है वो है एप्लीकेशन ऑफ एसी टू प्योर कैपेसिटर। देखो अभी कैपेसिटर क्या होता है, दो मेटल प्लेट्स होती है सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक। तो इस कैपेसिटर को हमने एसी सप्लाई अगर दिया तो ये किस तरह बिहेव करेगा। पहली बात तो कैपेसिटर का जो बेसिक एक्सप्रेशन है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ते हैं दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी इनटू वी। इसके इसके प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज क्यू, दैट डिपेंड्स ऑन उसका कैपेसिटी कितना है सी, और ये कैपेसिटी जैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है that is given by epsilon 0 a by d where epsilon 0 or epsilon 0 epsilon r a by d, this is what permittivity of dielectric, iske andar jo dielectric hai wo decide karta hai ye factor, aur a kya hota hai area of the plates aur d is what separation between the plates, matlab kuch is tarah ka arrangement yahan hota hai ki do plates hai is tarah ki और ये दो प्लेट्स किसी डाइलेक्ट्रिक से क्या हो गई है सेपरेट हो गई दोनों के, ये उनका एरिया है और ये डी इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। एक स्पेशल केस डाइलेक्ट्रिक एयर भी हो सकता है, उस वक्त आप इप्सिलॉन आर नहीं यूज करेंगे सिर्फ इप्सिलॉन जीरो यूज करेंगे, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एनीवे सो दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन, अगर हम लोग एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं इंस्टेंटेनियस चेंजिंग तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं क्यू ऑफ टी, सी तो कांस्टेंट है ये तो कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन और डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड है, इनटू वी ऑफ टी, या फिर हम लोग दूसरा एक नोटेशन यूज करते हैं सी इज इक्वल टू वी ऑफ टी की जगह आप चाहे तो ई ऑफ टी भी यूज कर सकते। तो ये एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत काम का है। तो अगर हम लोग एसी सप्लाई कैपेसिटर को अप्लाई करते हैं तो ये किस तरह बिहेव करेगा, करंट और वोल्टेज कैसे काम करेंगे ये आगे देखना। अरे एक चीज हम नोट करेंगे, जो चीज इंडक्टर में होगी थी एग्जैक्टली उल्टा यहां देखने को मिलेगा, वहां करंट आगे भाग रहा था वोल्टेज पीछे भाग, सॉरी वोल्टेज आगे भाग रहा था करंट पीछे भाग रहा था, इधर करंट आगे भागेगा वोल्टेज पीछे भागेगा। एनीवे तो ये हमारा कैपेसिटर है सी और इसे हमने एसी सप्लाई अप्लाई कर रखा है सपोज, और एसी सप्लाई हम लोग इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं ई ऑफ टी ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी से, और इसमें से जो करंट सर्कुलेट होगा लेट अस डिनोट इट बाय आई ऑफ टी। तो हमारे पास जो देखो इसके प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज कंटिन्यूअसली चेंज होगा, देखो कभी इधर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी कभी इधर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, इस तरह चेंजिंग चार्ज जो सेटअप होगा क्यू ऑफ टी वो हम लोग लिखते हैं सी इंटू ई ऑफ टी, और जो करंट चलेगा यू नो दैट करंट इज व्हाट डी बाय डीटी ऑफ क्यू ऑफ टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डी बाय डीटी ऑफ व्हाट इज क्यू ऑफ टी सी इनटू ई ऑफ टी, सी तो कांस्टेंट है कैन बी टेकन आउट, तो सी इनटू डी बाय डीटी ऑफ ई ऑफ टी व्हाट इज ई ऑफ टी सी इनटू डी बाय डीटी ऑफ ई ऑफ टी क्या है ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे सी इनटू ई जीरो पे ई जीरो इज कांस्टेंट आ गया कम आउट, साइन का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू ओमेगा चेन रूल लगाया हमने, तो हमारे पास ओमेगा सी ई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया आई ऑफ टी, हम इसे आई ऑफ जीरो से डिनोट करें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं I of t is equal to I zero cos of omega t, what is I zero maximum current omega c into E zero आ गया है यहाँ पे ओके okay।
pi 0 sin of omega t plus pi by 2. तो देखो यहां पे प्लस पाई बाय 2 वाला फैक्टर करंट के साथ है, वोल्टेज का ये वेवफॉर्म है और करंट में ये आ रहा, देखिए आप लोग e 0 i 0। तो अगर हम लोग इसे स्केच करते हैं हमें ऐसा दिखाई देगा, e ऑफ t का जो वेवफॉर्म है मैं उसको ब्लैक कलर से स्केच कर रहा हूं, मान लो ये e ऑफ t, सॉरी ये मैंने ब्लू कलर में स्केच कर दिया, और दिस इज ग्राफ ऑफ E of t, करंट का जो ग्राफ है वो कोसाइन वेव आएगा, कोसाइन वेव, लेट अस स्केच इट इन ब्लैक कलर, तो ये ऐसा आएगा, एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। देखो कैपेसिटर में ये वाला वोल्टेज का वेव फॉर्म था, ये वाला करंट का था, अब कौन आगे है, देखो कौन टॉप पे जा रहा है, पहले करंट टॉप पे जा रहा है बाद में वोल्टेज टॉप पे जा रहा है, तो करंट आगे भाग रहा है वोल्टेज पीछे भाग रहा है, तो यहां पे एग्जैक्टली उल्टा। और यहाँ पे भी रिएक्टेंस वाला कंसेप्ट आएगा, देखो हमने देखा था कि E0 अपॉन I0 यहाँ पे अगर हम लोग लिखते तो आएगा 1 अपॉन ओमेगा C, उधर ओमेगा ये लाया था इंडक्टर वाली केस में, तो ये 1 अपॉन ओमेगा C, देखो E0 अपॉन I0 जनरली R लिखते हैं हम लोग जब रेजिस्टिव सर्किट होता है, यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा C आ रहा है, तो ये कोई एनालॉगस क्वांटिटी होगी। हाँ ये भी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो E0 अपॉन I0 इज डिनोटेड बाय XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक तरह का AC को, बट दैट XC इज 1 अपॉन ओमेगा C और 1 अपॉन 2 पाई XC। देखो XL वाला एक्सप्रेशन अगर आपको याद होगा पीछे हमने देखा XL क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, करंट को लिमिट करने वाला, तो एक्सएल में आया था ओमेगा ए या फिर 2 पाई एफ एल, एक्ससी क्या आ रहा है 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, तो ये फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल है एक्सएल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग एक्सएल का ग्राफ तो हमने बनाया था, एक्ससी का अगर बनाते हैं हम लोग तो हमें ग्राफ ऐसे आए, देखो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा और डिक्रीज होगा इस तरह से, तो ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये एक बात समझ में आई कि यहाँ पे करंट आ गया वोल्टेज पीछे, तो अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमने यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दिखाना है और इधर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये एंगल है पाई बाय 2। हाँ और एक चीज, एक्ससी जो है वो हम लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ई आरएमएस अपॉन आई आर एम एस, क्योंकि ई जीरो अपॉन रूट टू हो रहा है, आई जीरो अपॉन रूट टू भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया फेजर डायग्राम, ये हो गया वेवफॉर्म। अगर हम पावर भी हम लोग यहाँ बनाते हैं तो हमें फिर से वही सिचुएशन देखने को मिलेगी, यहाँ देखो यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव होगी, यहाँ पे निगेटिव आएगी फिर से पॉजिटिव आएगी, दोनों निगेटिव है तो पावर पॉजिटिव फिर से निगेटिव, एनी वे प्लस माइनस सेम आएगा, मतलब पावर एवरेज पावर कंजम्पशन क्या आ जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा, मतलब प्योर कैपेसिटर भी कोई पावर को क्या नहीं करता है, कंज्यूम नहीं करता है। ओके तो ये हो गया आपका ई ऑफ टी, आप खुद पावर को स्केच कर सकते हैं, देखो देखो दोनों पॉजिटिव है, ये ब्लैक वाला मेरा करंट है और ब्लू वाला मेरा वोल्टेज है, तो दोनों पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव, यहां पे आप देख रहे हैं ब्लू और ब्लैक अपोजिट है ना, तो पावर निगेटिव, फिर से दोनों निगेटिव तो पावर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो पावर निगेटिव, तो एवरेज एक साइकिल के लिए अगर हम लोग सोचते थे, ये एक साइकिल है ब्लू वाला 2 पाई वाला, तो प्लस माइनस पावर लिया दी पावर लिया, तो एवरेज पावर कंजम्पशन तो जीरो हो गया, मतलब प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर दोनों कोई पावर को कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट लीड करता है वोल्टेज लैग करता है, और उधर वाली इंडक्टर वाली केस में वोल्टेज लीड करता था और करंट लैग करता था। दूसरी चीज, यहाँ एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है इंडक्टर में, इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी एक्सएल, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने देख लिया रजिस्टर में करंट और वोल्टेज साथ में चलते हैं, इन फेज रिलेशन होती है और पावर जो होती है वो हमेशा एक्टिव होती है,
यहाँ पे ये जो पावर आप देख रहे हैं, दिस इज अ रिएक्टिव पावर। हाँ, अभी एक और चीज हम देखेंगे, ये तीनों को अगर हम लोगों ने कंबाइन किया आर एल और सी तो क्या काम होगा, वो हमें जानना है। इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी है, हम आर एल को कंबाइन कर सकते हैं, आर सी को कंबाइन कर सकते हैं, एल सी को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर अल्टीमेटली आर एल सी तीनों। तो इनमें क्या क्या होता है वो हम जानेंगे। इसमें दोनों टाइप की पावर दिखाई देगी, एक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। यहाँ सिर्फ रिएक्टिव पावर दिखाएगी, एक्टिव पावर कुछ है ही नहीं, क्योंकि एवरेज पावर कंजम्पशन क्या है, जीरो।